top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Thank you so much. I feel very lucky कि अक्षय सर के साथ काम कर रहा हूँ मैं, प्रभु सर के साथ. So that's a big thing. अच्छा, आज जो एक कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है, इस मौके पे आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप और क्या सजेशन देना चाहेंगे जनता को आप इस? मैं बिलीव करता हूँ कि हम मर्द लोग जो हैं औरतों से बहुत स्ट्रेंथ लेते हैं. सो आज जब मुझे पता चला एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें कैंसर के अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है. ओवेरियन कैंसर वैसा कैंसर है जिसको आप नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर पाते टाइम पे, और लॉट ऑफ वुमेन लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट. वो उतरे बायोकॉस्मेटिक्स का इनिशिएटिव है जिसमें दे आर ट्राइंग टू कॉज अवेयरनेस फॉर दिस. आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट जस्ट टू गिव बैक टू लॉट ऑफ वुमेन मेड माई लाइफ स्पेशल. शायद मेरे इस एफर्ट से शायद चार लोगों तक ज्यादा बात पहुंचे, चार लोगों को ज्यादा इसके बारे में पता चल सके और शायद किसी की जान बच सके. सो द आइडिया इज टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोसेस. हमारे नए जनरेशन के अंदर और खासतौर से महिलाएं लड़कों में एक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो पीने की लत है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या किस तरह का सेफ्टी होनी चाहिए और कैसे आप उन्हें कंट्रोल करते हैं? नहीं, मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि पीना ना पीना पर्सनल चॉइस है. मैं नहीं पीता हूँ, बट अगर कोई पीना चाहता है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है आजकल. दे शुड ड्रिंक, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, खासतौर पे अपने एनवायरमेंट और हालात का ध्यान रखना चाहिए. जब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर थोड़ा खराब है, तो यू शुड गो आउट विद पीपल यू कैन ट्रस्ट विद ऑल द टाइम. बाकी ये सरकार का जिम्मेदारी है कि दे शुड मेक श्योर दैट वुमेन आर सेफ, देर इज नो मोर ट्रबल्स अराउंड, ट्रबल मेकर्स आर नॉट अराउंड. हमें एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और हमें रिस्पॉन्सिबल जरूर होना चाहिए, पर मैं किसी पे रोक टोक को पसंद नहीं करता. पीना चाहते हैं? अच्छा, आपसे लास्ट क्वेश्चन, आपकी नई फिल्म आ रही है सिंगल फीलिंग, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अक्षय कुमार जी के साथ आपके साथ पहली बार आपको मौका मिला काम करने का, तो कैसा लग रहा है आपको ये? मेरी तीसरी फिल्म है, और तीसरी फिल्म में मुझे अक्षय सर के साथ रोल करने को मिला. मैं पंजाब से हूँ एंड ही इज बीन अ बिग आइडल फॉर मी. मैं ये बता सकता हूँ सिर्फ कि उनके साथ काम करके मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर मैंने किया है. एक चीज सीखी है मैंने कि उनके लेवल पे जाके इतना बड़ा सुपरस्टार बनने के बाद भी वो उतना ही एफर्ट डालते हैं, उतना ही हार्डवर्क करते हैं, अपने काम को उतना सीरियसली लेते हैं. सो मैं बहुत जल्दी ये चीजें सीख पाया, उनके साथ काम कर पाया. आई फील वेरी लकी. आई थिंक इट्स माई लकी चांस. लेट्स होप हाउ थिंग्स विल टर्न अप. 2 अक्टूबर को हमारा रिलीज है. प्लीज जाइए फिल्म को थिएटर में देखिए, हम लोगों को बताइए कैसी लगी. एट द सेम टाइम ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओवेरियन कैंसर के बारे में, जिसके बारे में हम प्रमोट कर रहे हैं. चेक इट ऑनलाइन, गूगल कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑनलाइन पढ़िए और हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस. चलिए, हम गॉड ब्लेस करते हैं कि आपसे कि आपकी फिल्म सक्सेस हो, आपका भी नाम हो, और हमसे बात करने का आपके लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.